खजाने का बक्सा। दादाजी, क्या हम खेलने जाएं? हाँ बच्चों, पर याद है ना कि सभी को आसपास ही खेलना है। हाँ दादाजी, हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों, ये देखो, वहाँ कुछ है। देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैंने इतना सुंदर बक्सा आज से पहले कभी नहीं देखा था। दादाजी, ये देखिए, हमें यहाँ कुछ मिला है। क्या मिला बच्चों? मुझे भी दिखाओ। एक सुंदर सा बक्सा। मुझे बहुत खुशी हुई बच्चों कि बक्से को छूने से पहले तुमने मुझे बताना जरूरी समझा। धन्यवाद दादाजी, हमें याद है कि आपने हमें बताया था कि हमें अनजान चीजों को नहीं छूना चाहिए। पर दादाजी, हम जानना चाहते हैं कि इस बक्से में क्या है। ये एक खजाने के बक्से जैसा लग रहा है। लगता है इसके अंदर कुछ है। क्या सच में दादाजी? क्या हम इसे खोलकर देख सकते हैं? चलो देखते हैं। अरे ये क्या, इसके ऊपर तो कुछ लिखा है। क्या लिखा है दादाजी? इस पर लिखा है कि मेरे ऊपर बने नक्काशियों को कागजों का इस्तेमाल करके बनाओ। कागज से? वो कैसे बनाएंगे? ये देखो बच्चों, इसके ऊपर कुछ नक्काशी बनी हुई है। क्या तुम बता सकते हो इस पर कौन कौन सी नक्काशी बनी है? ध्यान से देखने पर मुझे लगता है इसके ऊपर एक मछली बनी है। अरे हाँ, ये देखो, एक कुत्ता भी बना हुआ है। बहुत खूब बच्चों, बिल्कुल सही पहचाना तुम सभी ने। पर दादाजी, हमें करना क्या है? बच्चों, हमें इन नक्काशियों को कागज से बनाकर इस बक्से के ऊपर बने नक्काशी में फिट करना है। पर हमें नक्काशियों को कैसे बनाएंगे? ये तो देखने में कितने मुश्किल लग रहे हैं। कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। क्या तुम सभी तैयार हो? ये तो बहुत मजेदार लगता है। और मेरे झोले में अखबार भी है जिससे हम ये नक्काशी बना सकते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले ये प्यारा सा कुत्ता बनाते हैं। सबसे पहले अपना अपना कागज लें और आमने सामने वाले कोनों को इस तरह मोड़ें कि एक त्रिकोण आकार बन जाए। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा कागज उल्टे त्रिकोण में रखा गया हो। इस तरह से दादाजी? बिल्कुल सही स्माइली। अब हमें दूर के कोनों को लेना है और इस तरह सीधाई में नीचे की तरफ मोड़ना है। नहीं गप्पी, ऐसे नहीं, हमें ऐसे सीधे मोड़ना है। बिल्कुल सही मटरू। अब हमें त्रिकोण के नीचे वाले कोने को इस तरह से मोड़ देना है। और अब आखिर में हम बनाएंगे इसके आंख। पर इसके लिए हमें चाहिए होंगे रंग। रंग मेरे झोले में मिल जाएंगे दादाजी। ये हमने बना लिया दादाजी। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। अब समझी दादाजी, हमें क्या करना है। कल ही मम्मी ने मुझे ऐसी एक वीडियो दिखाई थी। तो क्या तुम्हें मछली बनानी आती है मटरू? हमें भी सिखाओ ना मटरू। हाँ
जरूर दोस्तों, ये तो बहुत आसान है। तो चलो सबसे पहले हम लेंगे अपना अपना कागज। ये मेरी मछली बन गई। ये तो बहुत ही मजेदार था मटरू। सच में मजा ही आ गया। तो दोस्तों बनाए फिर मछली की आंख और मुंह। हाँ हाँ चलो। ये देखिए दादाजी, हमने मछली भी बना ली। क्या अब हम ये बक्सा खोल सकते हैं? चलो कोशिश करके देखते हैं। क्या पता इसके अंदर तुम्हारे पसंद के खिलौने हो, जैसे बुना हुआ टेडी बेयर, एक डॉल या फिर बॉल। अरे वाह, ये बक्सा तो खुल गया। अरे ये क्या, इसमें तो वही सब है जो अभी अभी दादाजी ने बताया। मैं समझ गई, ये बक्सा दादाजी ने यहाँ रखा था हमारे लिए। बच्चों सही कहा तुम सभी ने। क्या तुम सभी को ये खेल खेलने में मजा आया? हाँ दादाजी, हमें ये नक्काशी को देखकर ओरिगामी बनाने में बहुत मजा आया। धन्यवाद दादाजी, हमें इतने सुंदर खिलौने भी देने के लिए। दोस्तों कैसा लगा ये खेल आपको? पुराने कागज का इस्तेमाल करके नई नई चीजें बनाना मजेदार तो है ही, साथ ही ये एक आसान तरीका भी है उंगलियों की एक्सरसाइज करने का। आप भी हमारी ही तरह ये खेल खेलिए और नए नए ओरिगामी बनाकर अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को दिखाएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।